मॉडल और अदाकारा ज़ोया नासिर ने कहा है कि वो पहली नज़र में प्यार हो जाने पर यकीन नहीं रखती। वो पहले इंसान को परखती हैं, समझती हैं, फिर इनसे मोहब्बत करने या ना करने का फ़ैसला करती हैं। ज़ोया नासिर ने हाल ही में मिशन को मोहब्बत और ताल्लुकात के हवाले से सवालों के जवाब दिए और ये भी बताया कि इस वक्त वो किस से ताल्लुकात में हैं। ज़ोया नासिर का कहना था कि वो किसी भी मर्द में सबसे पहले अखलाकियात और शख्सियत देखती हैं कि वो किस तरह से दूसरों के साथ पेश आते हैं, फिर इनमें सफाई जैसी चीज़ को देखने के बाद इनसे मुतालिक फैसला करती हैं। अदाकारा ने बताया कि वो ज्यादा रोमानवी शख्सियत नहीं बल्कि लेकिन अगर इन्हें किसी के साथ रोमानवी फिल्म करनी पड़े तो वो शाहरुख खान के साथ कल हो ना हो या कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में करेंगी। एक और सवाल के जवाब में ज़ोया नासिर ने बताया कि अगर इन्हें किसी के साथ डेट का मौका मिलेगा तो वो टॉम क्रूज या ब्रैड पिट में से किसी एक का इंतखाब करेंगी। अदाकारा का कहना था कि मोहब्बत करने वाला शख्स कभी भी दूसरे को तकलीफ नहीं देता और जो तकलीफ़ देते हैं वो मोहब्बत नहीं करते और यही किसी को समझने की पहली निशानी भी होती है। मोहब्बत हो जाने का इल्म कैसे हो के सवाल पर ज़ोया नासिर ने बताया कि किसी को मैसेज का जवाब देना, किसी के लिए सोचते रहना, उसे इज्जत देना और एहतराम देना, उसे देखकर मुस्कुरा देना और इनसे बातें करने के लिए बेताब रहने जैसी बातों से मोहब्बत का इल्म हो जाता है। यही वो निशानियां हैं जिससे मालूम होता है कि कौन मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है या नहीं। एक और सवाल के जवाब में ज़ोया नासिर ने कहा कि वो पहली नज़र की मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती। वो पहले किसी भी शख्स को परखती हैं, समझती हैं और उसके बाद ही उससे मोहब्बत करती हैं।